ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज एक्चुअली मेरे कजिन ब्रदर की जो है एंगेजमेंट पार्टी है, तो वो है हरदोई में। तो फिलहाल हम सारे लोग जो है रेडी हो गए। वैसे वहाँ प्रोग्राम तो 11 बजे का है, यहाँ से हम लोगों को 10 बजे निकलना था, बट हम लोग जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आए थे। उसके बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए, फिर सारा जो बैग है उसे अनपैक किया, सब कुछ सेट किया, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी फिलहाल मैंने टी शर्ट डाल ली है और हरदोई में ही जाके फिर वहाँ पे जो है पार्टी वाले कपड़े पहन लेंगे। फिलहाल इसमें मैंने अपने कुछ कपड़े डाल लिए हैं और ये वाला मेरा बैग एक रेडी हो गया है। बाकी यानी अभी जो है अपना बैग वगैरह रेडी कर रही है। बाहर से आओ भाई साहब, कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। यानी जो है बेचारी सुबह से लगी हुई है काम निपटाने में, बट अभी निपट ही नहीं पा रहा। ये देखो सारी पैकिंग वगैरह थी, उसे सही किया, दोबारा पैकिंग हो रही है। और सारे जो है ट्रॉली बैग वगैरह खाली हुई है, बैग खाली हुई है, सनाई के कपड़ों की सेटिंग हो रही है। और इधर जो है ये दोनों गिफ्ट रखे हैं, ये वाला मेरा यानी का जो कि आज एंगेजमेंट वाली पार्टी में जो है गिफ्ट करना है। इधर फिलहाल मैंने अपनी एप्पल वॉच जो है चार्जिंग लगा दी, काफी दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है। एक तो कहीं जाओ उसकी पैकिंग, और ऊपर से जब वापस आओ तो सब वॉश करके वापस सेट करना, प्लस नई जगह की नई पैकिंग करना। हरदोई जाना है ना, तो हरदोई की अलग पैकिंग। हमें लग रहा है आपकी लाइफ ही पैकिंग में ही निकल जाएगी ना। गयम है चाय। चाय गर्म है, बच्चे चाय के बारे में नहीं बात करते हैं। चाय गयम है। बेटू आप गंजी हो गई, शराह यहाँ आओ, यहाँ बिटू 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 आपके किच्ची कर दें, एक आपकी गंजी पे किच्ची कर दें, किच्ची कर दें, कालों पे नहीं, किस किया करूंगा, गंजी पे किया करूंगा। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, मॉर्निंग में एक टी पी थी, तो जो भी है ब्रेकफास्ट स्नैक्स जो भी है लंच वगैरह सारा वहीं करेंगे चल के। ये मैडम देखो सबसे ज्यादा टाइम यही लगाती है रेडी होने में, इस वजह से सबसे ज्यादा मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, मुझे टाइम नहीं लगता रेडी होने में। ओके, आप ही को पाउडर वगैरह लगाने में मेकअप करने में टाइम लगता है। तो मेकअप भी नहीं कर पाया इतनी जल्दी के चक्कर। एक्चुअली पार्टी जो है वो बहुत जल्दी रख दी गई, और वैसे तो हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं, एक्चुअली वहां पे गए थे दर्शन करने, उस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ हो गया, फिर भी चलो कोई नहीं टाइम से पहुंच जाएंगे। और बताओ क्या लेके चलना है। और फिलहाल ये सारे बैग भी जो है लेके जाने हर रोज, और ये हैं कुछ गिफ्ट्स जो कि कपल को वहाँ पे गिफ्ट करना है। फिलहाल सारा सामान लगा दिया और सिम्बू का भी टाइम हो गया है खाने का, तो उसे भी जो है फटाफट खाना रख लेते हैं। भूख लग गई है क्या, चाहिए क्या, चाहिए बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। बहुत प्यारा बच्चा है, इसे भूख लगती तब ये पागल हो जाता है। क्यों पागल हो जाते हो भाई, पागल हो जाते हो, पागल हो जाते हो, पागल हो जाते हो। मेरे पास खाना खा लिया, जा रहा वॉक करने। चलो 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 चलो। और भाई साहब गर्मी कम होने का नाम ले रहे, देखो मैं थोड़ी देर बाहर आया पूरा पसीना पसीना हो गया। चलो अंदर चलो। वाह आपकी हेयर्स नहीं है, कॉम क्या कर रही हो, कैप लगा लो, कैप लगा लो, कैप लगा लीजिए। हेयर्स नहीं है ना तो कैसे आप कॉम करेंगे। अपनी खोपड़ी मत इंजर्ट कर लेना इस तरीके से करके। शनाया शनाया चलो। बाय बेटू, आप नहीं जा रही हो, आप भी चलोगी क्या, जा रहे आप चलोगे, बाय बाय बाय, हाई फाई कर दो, अच्छा हाई फाई, आप भी चल रही हो, क्लैपिंग, आप रहने दो ठीक है। कैप लगा लो बेटू, अच्छा नहीं लगेगा पार्टी में। बाय 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 कर लो बस। चलो एक बार जयकारा लगा दो, जय माता दी, जय माता दी। और शाहजहांपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो काफी दिनों से चल रही है, सामने जा रही है फुल एसी, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उनकी नंबर प्लेट जो है वो ग्रीन कलर की होती है, इसके ऊपर जो है गोल्डन से लिखा हुआ है, गोल्डन या व्हाइट से लिख सकते हैं, बाकी कॉमर्शियल की जो है वो येलो कलर एंड ब्लैक से लिखा होगा, बाकी अपना जो प्राइवेट है व्हाइट कलर की नंबर प्लेट होगी और ब्लैक से लिखा होगा। साइड से आता हुआ ट्रैक्टर, फाइनली हम लोग जो है होटल पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली घर से जो है काफ़ी सारा सामान लेके आए थे, तो इधर मैंने थोड़ा बहुत सामान अपने भाई को लदवा दिया है, तो अभी जो है हम लोग फटाफट वहीं सामान ड्रॉप करते हैं, चेंज करते हैं, हम लोग भी जल्दी से पहुँचते हैं। चलो चलो जल्दी चले और फटाफट। तो फिलहाल मैं भी रेडी हो गया हूँ, भाई देवी 117 हो गए हैं, सारे गेस्ट भी आ गए हैं, आवाज़ हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। 210 और 211 ऊपर है कौन कौन। हेलो भाई,
कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, मेन आदमी यहाँ लेटे बैठे बताओ कैसे काम चले। हाँ, वो अपने मोबाइल में लगे हैं भाई, मजबा का ये धो रहा हूँ। तो सामने बैठे हैं ग्रूम के चाचा जी या मौसा जी समझ लीजिए, इधर है ग्रूम, इधर है बुआ जी के बेटे इनके, इधर है ग्रूम के मौसा जी, और पीछे जो बैठे हैं ये हैं मजबा लोग। मेरे फिलहाल जो है सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो नीचे चलते हैं, स्नैक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आओ जो है। भूख लगी है काफी तेज। क्या कह रही हो? I love you too. Bhigi bhigi sadakon pe tera intezaar karu. चलो चलो बेटा अंदर चलो, सुनाया भाई तुम्हें जो है आने को तैयार नहीं है, वो कह रही है मुझे चाचू के पास जाना है। नो, अब पार्टी खत्म होगी, घर चलो। बताओ यार मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी हो जाएंगे, नहीं रुकेंगी यहाँ, इन्हें चाचू के पास और बुआ के पास रहना है। आओ बेटा। नहीं। कहाँ जा, कहाँ रही हो? देखो मेरे घर जाना है। यार बताओ क्या कर रहे हैं? रुक जाओ, आज रुको, अभी 2-3 days रुक जाओ, फिर चलना है घर। नहीं, मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है। आ जाओ। मम्मा घर चलेंगे अभी, आप रुक जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है ना। स्कूल का नाम? अच्छा अच्छा, आपको कहाँ जाना है? दादी के पास जाना है। चाची अनी को ड्रॉप करने के बाद में जो है कुछ लोग और बचे थे, तो उन्हें घर ड्रॉप करना था। फिलहाल अभी जो है ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ, अभी लेट हो गया, आई थिंक वही 9:30 के अराउंड टाइम हो रहा होगा। और भाई साहब पूरे बॉडी पेन हो रहा है यार, अच्छी कभी जिम जाओ ना तो मतलब फर्स्ट डे तो नॉर्मल है ठीक है, सेकेंड डे भी उतना नहीं लगेगा, और भाई साहब थर्ड डे जो पूरी बॉडी में दर्द होता ना, ऐसे हाथ ऐसे सीधा नहीं होगा, वही सेम सीन है, पूरी बॉडी में जो है दर्द हो रहा है। अभी जाके जो है रेस्ट करना है, और 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ पाया, अभी इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल किया, फिर जो है इतना ज़्यादा टायर्ड था, कुछ भी काम नहीं हो पाया। बाकी ब्लॉग तो रेडी है, बस एडिट करना है, कल सुबह से जो है काम पे लग जाते हैं। या।
तो फिलहाल रात के हो रहे हैं 10:30 और अनी और सना आई थिंक सो गए हैं। उन्हें जो है मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज जो है डिनर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लंच जो है काफी ज्यादा लेट हुआ, फिर जो है कुछ भी खाने का मूड नहीं हुआ। फिलहाल जो है इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों चलते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रात के 12 बजे बन रही है मैगी, उस समय तो खाना नहीं खाया गया, अब जो है मैगी खाई जाएगी।